हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर 2, जो 2017 में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने लिया हुआ है। तो आज उसका देखेंगे सॉल्यूशन किस प्रकार होता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। पी तथा क्यू दो बिंदु एक इमारत के आधार से एक्स तथा वाई की दूरी पर हैं, जहां पर एक कंडीशन आपको मेंशन किया है y ग्रेटर देन x, ओके, तथा एक सीधी रेखा पर हैं। तो पहले थोड़ा सा फोटो बना लेते हैं। ये हमारा रहा एक इमारत, और ये रहा हमारे पास एक बेस, और P और Q बिंदु यहां पर है। चलेगा, P तथा Q बिंदु से एक इमारत के आधार से x तथा y, तो यानी यहां पे P हो गया, यहां पे Q हो गया। अब ध्यान से देखिए, y ग्रेटर देन x है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां का डिस्टेंस को करना पड़ेगा y, क्योंकि y बड़ा है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, x करना पड़ेगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बड़ा डिस्टेंस y, छोटा डिस्टेंस x। यदि बिंदु x तथा y से इमारत की चोटी का, चोटी मतलब हो गया टॉप, उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। पूरक को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। तो मैंने बोला है यहां पे इसको मिला दीजिए, यहां पे मिला दीजिए। पूरक का मतलब सारे बच्चे लोग याद करें कि एक हमारा अगर थीटा हो जाएगा तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये पूरक का मतलब हुआ। पूरक का मीनिंग क्या होता है, दो एंगल को जोड़ करके 90 डिग्री आना चाहिए। अब क्या पूछा है, इमारत की ऊंचाई, यानी ये सपोज करते हैं हाइट हमारा है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आएगा, पूरक बोला जाए या कुछ भी जहां पर डिग्री मेंशनड नहीं हो, तो दोनों ट्रायंगल से टेन का फॉर्मूला जनरली यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूज करता हूं, थोड़ा मैं कलर अलग कर ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास रहा एक ट्रायंगल, यहां से टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए, टेन एंगल क्या बना है, 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, और हम लोग सबको पता है टेन मतलब होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी देखिए हम लोगों ने क्या लेट किया हुआ, एच, बेस क्या लेट किया हुआ, एक्स। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, एच बाई एक्स। तो यहां से जो निकल रहा है इसको रहने दीजिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, उसको भी मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं। उसके बाद एक बड़ा ट्रायंगल है, तो हमेशा कोशिश करिएगा टेन लेके ही सॉल्व करेंगे। इस वाले में क्या करेंगे, फिर से टेन लेंगे हम लोग। तो टेन इस पे कौन सा एंगल मेंशन हो रहा, थीटा, और फिर से वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा एच ही पड़ेगा, और बेस हमारा ये टोटल, टोटल यानी वाई। तो यहां से ये मालूम पड़ गया। ठीक है, अब कैसे आगे चलेंगे वो देखिए। जब कभी भी आपको दो रिलेशन पता हो, एक में कॉट का वैल्यू पता हो, एक में टेन का वैल्यू पता हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें। क्यों करेंगे, क्योंकि टेन एंड कॉट का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा वन होता है, बिकॉज ऑफ दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आइए ऊपर में मैं कर देता हूं, दिस वन इज कॉट थीटा, और उस वाले का मतलब हो गया टेन ऑफ थीटा। इस वाले में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच बाई एक्स मल्टीप्लाई ऑफ एच बाई वाई। टेन मल्टीप्लाई ऑफ कॉट कितना होगा, वन होगा। क्यों होगा भाई, वापस मैं बता देता हूं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एच इंटू एच, एच का स्क्वायर, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। सो एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, सो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है, रूट। सो हमारे पास हाइट कितना हो गया, रूट ओवर एक्स वाई। तो हमारा क्या ऑप्शन है, यस, फोर्थ नंबर इज करेक्ट आंसर। आई होप आइडिया क्लियर हुआ होगा। तो मैंने कई बच्चों को देखा है कि हाइट एंड डिस्टेंस से भागते रहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से भागने की जरूरत नहीं है, और मेरे काफी सारे वीडियो हैं, आप उन्हें जरूर देखिए। तो बेस अच्छा करिए, बहुत मजेदार टॉपिक है। फोटो बनाना बहुत लोगों को भारी लगता, फोटो बनाना बिल्कुल भारी नहीं है। पेशेंस रखिए, अच्छे से पढ़िए, बस जहां से जहां तक बोला है ना वहां एक लाइन टानना है, बस इतना ही करना है, फोटो बन जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आ गया बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन वापस, चलिए देखते हैं क्या है। दो खंभे जिनकी ऊंचाई 60 मीटर और 35 मीटर है की चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया है। ठीक है भाई, इससे पता चलता है कि एक बड़ा एक छोटा। तो ये मैंने बनाया एक बड़ा, खंभा सीधा हो गया, ड्राइंग पे मत जाइएगा, और ये मैंने एक बनाया छोटा। ये जो हमारा लेंथ हो गया, ये हमारे को लेंथ कितना हो गया 60, और ये हमारे को लेंथ कितना हो गया 35।
की चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया। अगेन चोटी मतलब टॉप, तो चलिए रस्सी से जोड़ते हैं, ये रहा रस्सी। अब आगे की ओर पढ़ते हैं, देखिए कभी कभी भी ऐसा हम लोग लाइन टानेगा तो एक तो बेस देना जरूरी है, हम लोगों ने बेसिक्स में सीखा हुआ। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ कोण बनाती है, मतलब यहां पर कुछ कोण बनाया जो भी रहेगा, थीटा अल्फा बीटा जो भी है, जिनकी स्पर्श, देखिए हिंदी में एक शब्द लिखा रहेगा आपको स्पर्शज्या, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं टेंजेंट, और समझने वाली भाषा में क्या हो गया टेन का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा। तो इसका मतलब ये 5/9 जो हो गया यहां पे, सपोज कर ये थीटा एंगल बनाया, तो हम लोगों को जो 5/9 है वो सोचिए 10 थीटा का वैल्यू है, राइट। दिस वन इज 5/9, आई होप क्लियर। अगेन हम लोग यूज करेंगे पी बाय बी, तो आप मुझे बताइए पी बाय बी यहां पर 5/9 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक 5 हो गया और यहां से लेकर यहां तक 9 हो गया। क्लियर होगा सारे बच्चों को? अब आगे कैसे बढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं ये वाला लाइन सबको क्लियर हो चुका होगा। स्पर्श ज्या होता है, ठीक है, दोनों खंभों के बीच की दूरी निकाले, मतलब ये वाला, मतलब ये निकालना है तो ये वाला भी सेम हो जाएगा। कैसे आगे बढ़ेंगे, बस 5 सेकंड का काम है, 5 सेकंड बस समझा के मैं बोल रहा हूं। कैसे, देखिए ये अगर 60 है, ये 35 है, तो पहले तो यार ये भी 35 हो जाएगा, और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये 60 ये 35, तो ये कितना, ये हमारा 25। क्लियर है सब लोगों को? 60 - 35 करेंगे तो 25 आएगा ना। अब सोचिए 5 यूनिट का वैल्यू 25, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकालने बोला है दोनों खंभों के बीच की दूरी, यानी यही तो 9 है, मल्टीप्लाई 5, सो आंसर इज 45। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान पूछा था, सीरियल टायर 2 के लायक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत ही आसानी से बन जा रहा है क्वेश्चन। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ओके, अगला सवाल देखते हैं, काफी लंबा सा दिख रहा है। दो वृक्ष एक सड़क के विपरीत दिशा में खड़े हैं, बहुत बढ़िया, और दोनों वृक्षों के मध्य की दूरी 400 मीटर है, चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है, और दोनों वृक्षों के मध्य सड़क पर एक बिंदु है, चलिए ठीक है, वृक्षों की चोटी से बिंदु के अवनमन कोण इतना इतना है, यदि वह वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है, की ऊंचाई 200 मीटर है, चलिए तो दूसरे वृक्ष की ऊंचाई निकालें। ठीक है, पहले तो दो वृक्ष हम लोग खड़ा कर देते हैं इस तरह से, मुझे पता नहीं है कि दोनों में हाइट किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, तो जैसा बोल रहा वैसे कर लिए। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 400, चलिए बहुत बढ़िया। दोनों वृक्षों के मध्य सड़क पर, मध्य सड़क पर देखिए मध्य माने बीच में, तो यहां पर एक बिंदु है एकदम बीच में, वृक्षों की चोटी से, यस यहां से अवनमन कोण, तो सोचिए अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो यहां पर पहले 45 लिखना पड़ेगा, तो ये जितना होता है ये यहां पर उतना ही सबटेंड होता है। तो जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ ना, तो सारे बच्चों को मैंने बोल के रखा यार अवनमन मत बनाइए, उन्नयन ही बनाइए चलेगा, क्योंकि ये हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। बट समझाने के लिए मैं मैथ की एक्यूरेसी के आधार पे यहाँ पे बता रहा हूँ। और इस वाले से कितना हो जाएगा, ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री, तो मेरे को लगता है ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, इसलिए अवनमन उन्नयन में मत फंसिए, बस नीचे बनाना है कोण। चलिए अब क्या बोलता है देखते हैं। वह वृक्ष जो 45 डिग्री का है, मतलब ये वाला कोण बनाता है, 200 मीटर ऊंचा है, यानी ये वाला हाइट जो है वो 200 है, और दूसरे की ऊंचाई मुझे निकालनी है। तो ये था हमारा फोटो, आई होप फोटो क्लियर होगा, बड़ा ही पेशेंस के साथ बनाया गया है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। अब हम लोगों ने जो पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा हुआ उसका बेनिफिट लेंगे। इस वाले ट्रेंगल पे देखिए डिग्री मुझे पता है, 45 डिग्री में आपको अगर याद होगा तो 1:1 का रेशियो होता है, ये 1 है ये भी 1 है, आई होप क्लियर होगा सारे लोगों को, ठीक है। तो यहां तक बन गया है, अब सोचिए कि बैलेंस कर देते हैं, तो आप सोचो 1 का सीधा में 200 है, तो यानी 1 इक्वल टू कितना हो गया भाई, 200, इसका मतलब ये भी तो 1 है, तो इसका मतलब फिर से ये वाला भी तो 200 हो जाएगा, आया बात समझ में। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि ये वाला पोर्शन भाई कितना हो जाएगा, तो 400 में से 200 घटा देंगे तो 200 नहीं हो जाएगा, क्लियर, देख रहे हैं कितना आराम से इधर आ गए। अब 60 डिग्री वाला प्रिंसिपल लगाते हैं इस वाले ट्रायंगल पे, 60 डिग्री में सारे लोगों को याद होगा ये √3 होता है, ये वाला 1 होता है।
अब फिर से बैलेंस कर देंगे भाई, वन यहाँ पे है, हम लोग के अकॉर्डिंग आ रहा 200, तो यानी वन का इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। इसको कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकालने बोला है। दूसरे वृक्ष की ऊंचाई कितना है, रूट थ्री, तो यानी 200√3 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइडिया क्लियर होगा सारे लोगों को, कुछ भी दिक्कत हो फिर से एक बार दो बार देख लीजिएगा वीडियो को, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। फर्दर कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आ गया और एक सवाल, देखा जाए कैसे बनेगा। एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, ओके, के शिखर पर एक मीनार खड़ी है। चलिए फोटो बनाते हैं, मैं ब्लैक कलर से फोटो बना देता हूं। चलिए एक भवन है और ये भवन है, चलिए इसकी ऊंचाई कितनी है 40 मीटर, और के शिखर पर मतलब यहां पर एक मीनार खड़ा है। ये सोचिए हमारा मीनार खड़ा हुआ, ठीक है। चलिए आगे क्या बढ़ता लिखा गया है, मीनार के शिखर और पाद, पाद मतलब तल, तल मतलब बॉटम, शिखर मतलब हो गया टॉप। तो मीनार का टॉप कौन सा है, ये वाला, हम मैं पॉइंट इंडिकेट करता हूं, और मीनार का तल कौन सा हो गया, ये वाला। से भूमि पर स्थित एक बिंदु, तो बिंदु कैसे लेते हैं, लेट मैंने लिया यहां पर, अवनमन कोण, अब मैं ऊपर नहीं बना रहा हूं, ठीक है, कोई अगर मैथ के एक्यूरेसी में बनाना चाहते तो ऊपर बनाइएगा, ठीक है, मुझे लगता है मुझे समझाने के लिए नीचे बनाना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। अवनमन कोण 60 डिग्री 45 डिग्री है, तो दोनों से तो पहले टानेंगे। अब कॉमन सेंस है, छोटा वाला होना चाहिए 45 डिग्री और बड़ा वाला होना चाहिए 60 डिग्री, ये सब बस कॉमन सेंस है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मीनार की ऊंचाई निकाले, यानी मेरा को ये वाला लेंथ फाइंड करना है कितना होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटे वाले प्यारे से ट्रायंगल से शुरू करते हैं, इस पे कितना डिग्री बना है भाई, 45 डिग्री, इसका मतलब नो डाउट ये वन हो गया और ये वाला भी वन हो गया। क्लियर है सारे लोगों को। अब आगे चले आते हैं, ये देखिए 60 कौन से ट्रायंगल पे बना है, तो 60 हमारे को क्या बना हुआ है, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल पे। कलरफुल एकदम मैथ पढ़िए, मजा आएगा। तो 60 के लिए आपको पता है कि ये पूरा वाला हो जाएगा √3 और ये पूरा वाला हो जाएगा 1, क्योंकि 60 में √3 1 होता, पिछला क्वेश्चन पे भी आपने गौर किया होगा। अब हम लोग कैसे पढ़ते थे कि दोनों ट्रायंगल में कौन सा जो लाइन है वो कॉमन है, तो ये लाइन देखिए कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, और सही में भगवान की दया से ये इक्वल है, ठीक है। अब इक्वल है तो हमारा किस्मत भी बढ़िया है, आगे कैसे चलें भाई। अब यहां पर आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि ये पूरा वाला √3 है, ये हमारा 1 है, तो ये पोर्शन यही तो मीनार है ना, ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली √3 - 1 हो जाएगा, पूरा में से 1 घटा देंगे। अब बैलेंस करने की बारी, देखिए यहां से लेकर यहां तक 40 है और यहां से लेकर यहां तक 1 है, इसका मतलब 1 = 40। इसको कहां मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकालने बोला है, मीनार की ऊंचाई निकालना भाई, इस पे गुना कर दो, सो आंसर इज 40 विद इन ब्रैकेट √3 - 1, आंसर इज सी नंबर। माफी चाहेंगे। तो ये हम लोग का हो गया आंसर, आई होप आइडिया क्लियर होगा सब लोगों को, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, एंजॉय कर रहे होंगे सेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, ये क्वेश्चन यार बड़ा मजेदार है, मुझे ना ये क्वेश्चन बता बता के ना बहुत मजा आता है, ऐसा वाला क्वेश्चन खास करके। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। एक बिंदु पी से एक मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसके स्पर्श या, देखिए मैंने बोला भी था ना, ब्रैकेट में लिखा भी है टेंजेंट, ये सीजीएल टायर 2 हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, आप लोगों को पता है शायद मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। तो एक हमारा बन गया मीनार, और एक बिंदु ले लेते हैं पी, और यहां से उन्नयन कोण बोलता इस प्रकार है, मान के चलते हैं ये थीटा इस प्रकार है कि टेंजेंट टेन थीटा इक्वल टू 3/4 है। अब आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, तो सबसे पहले हम लोग एकदम आराम से शुरू करते हैं, पी का लिख देते हैं मान 3
और यहां से लेकर यहां तक का मान लिख देते हैं 4, क्योंकि पी बाई बी तो यही होता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ने पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मीनार की ओर 560 मीटर चलने पर, मतलब अगर यहां पर आदमी है या बिंदु है तो मीनार की ओर तो बाएं तरफ जाना पड़ेगा, तो यहां से लेकर यहां तक चला और यही डिस्टेंस है हमारा 560। और फिर बोलता है कि उन्नयन कोण, तो मतलब यहां पर फिर से एक यार कोण बनाना है, मान के चलते हैं ये थीटा वन है। ये सब मानने की जरूरत नहीं, आपके समझाने के लिए। ये इसका मतलब ये हो गया कि 10 थीटा 1, ये हो गया 4/3, तो फिर से तो पी बाई बी ही लगाना। इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल में अब पी और बी कितना होगा वो देख लेते हैं। इसका मतलब ये पी का मान देखिए 4 है, कैसे, ये देखो 4 है, और बी का मतलब कितना है 3 है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक 3 हो गया। आई होप यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब आगे कैसे करें ध्यान से देखिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों ट्रायंगल में कौन सा लाइन कॉमन है, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे सर हाइट कॉमन है, और आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोनों में आ रहा है ना ये। इसका मतलब दोनों का लेंथ जो है ना बराबर करना पड़ेगा। तो एक जगह देखिए 3 है, एक जगह मेरे को 4 है, मतलब दोनों का लेंथ बराबर होगा, तब ना अलग अलग तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब कैसे करेंगे, ये 3 को इधर गुना कर दो, ये 4 को इधर गुना कर दो। इसका मतलब इस वाले में 3 गुना करते हैं और इस वाले में क्या गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे। क्लियर। अब रह गई बात कि भाई मैथ में क्या होता है कि एक जगह कर रहे हो तो दूसरी जगह भी करना पड़ता है। अब ये 4 का रिलेशन इससे है ना, इसलिए मैंने कलर कर दिया, मुझे भी समझा के अच्छा लगेगा। अगर आपने 4 में 3 गुना किया तो इसमें भी 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो इसका पड़ोसी है ना भाई। एक को कोई मिठाई देते हैं तो दूसरे को भी देना ही पड़ेगा। अगर आपने यहां पर 3 में 4 गुना किया तो इस वाले का रिलेशन किससे था, इस वाले से, तो इस पे भी 4 गुना करना पड़ेगा। आई होप या आइडिया क्लियर होगा। जैसे मैथ में क्या होता है, मान के चलिए 2/3 है, आप ऊपर में 4 गुना करते हैं, तो मैथ में बैलेंस करने के लिए नीचे भी ना करते हैं, तो इसलिए मैंने वो बैलेंस करने के लिए किया हुआ है। अब आप देखिए ये पूरा वाला लाइन कितना हो गया 16, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 9। तो अगर मैं पूछता हूं ये कितना, तो 16 में से 9 घट जाएगा तो 7 आ जाएगा कि नहीं। बस मैथ बन गया, बैलेंस करते हैं 7 हमारे अनुसार और क्वेश्चन वाला बोलता है 560, तो 7 बराबर 560, तो 1 बराबर 80। क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। देखिए ये कितना आ रहा दोनों जगह 12 12, तो 12 बराबर कितना, 12 गुना 80, तो आंसर हो जाएगा 960। कौन सा आंसर, बी नंबर। आसान था, एक बार देखने से लग रहा था कि थोड़ा भारी है, कैसे कैसे लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक बार अगर आइडिया हो गया तो सारा मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपने इसको एंजॉय किया होगा, अप्रोच आपको अच्छा लगा होगा और बना के यार मजा आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये आ गया अगला सवाल। आई होप कि ये आखिरी क्वेश्चन है, चलिए इसको भी जल्दी से पढ़ेंगे। एक मीनार की ऊंचाई 300 मीटर है। चलिए एक मीनार पहले बना लेते हैं भाई, बेस भी होना चाहिए। जब उसकी चोटी को दूसरे मीनार की चोटी से देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये मीनार हम ऐसे कर देते हैं, यहां से देखिएगा, और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जा रहा, 60 डिग्री। ऐसे भी ध्यान से देखिए आगे क्या बोला, छोटे मीनार की ऊंचाई, ठीक है, तो यहां से देखने से इसका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा, 60 डिग्री। तो यहां पे कर देते हैं 60 डिग्री। और एक बार क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देते हैं, एक मीनार की ऊंचाई 300 मीटर है, तो यहां पर हो गया ये 300, और जब उसकी चोटी को, मतलब इसको दूसरे मीनार की चोटी से देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री होता। कर दिए तो बेस टानना पड़ेगा, दोनों मीनारों के बीच की दूरी 120 है, तो मतलब ये 120 है। छोटे मीनार की ऊंचाई निकाले, अल्टीमेटली मुझे ये निकालना है, और अगर ये निकालना है तो सोचिए ये निकालना है क्योंकि बराबर है। कैसे करेंगे, फिर से वही करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। पहले तो ये 120 है, तो ये भी 120 ही होगा, ये वाला डिस्टेंस। अब 60 डिग्री, 60 डिग्री फिर से इस पे लगा दीजिए,
60 डिग्री के लिए क्या होता है? रूट थ्री होता है, ये क्या होता है? एक होता है, ठीक है ना? कैसे होगा, आइए बढ़ते हैं। अब बैलेंस कर दीजिए, एक का मान कितना है भाई? 120। 120 को कहाँ गुना कर देंगे? तो फिलहाल यही मेरे को दिख रहा, तो इसमें गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा ना, तो इस वाले में गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 रूट थ्री। अब बताइए तो क्या निकालना, छोटे मीनार की ऊंचाई यानी ये लाइन, ये लाइन मतलब ये लाइन, और कैसे? तो इस लाइन में देखिए पूरा वाला 300 है और ये वाला 120 रूट थ्री है, तो ये कैसे निकलेगा? 300 में घटा नहीं देंगे, 120 रूट थ्री। क्लियर है सारे लोगों को? अब रह गया आंसर कैसे लाया जाए, तो 300 माइनस 120, जब रूट थ्री का मान नहीं दिया है तो दशमलव के बाद तीन अंक तक ले लीजिएगा, पॉइंट हटा दीजिए, ये कट गया, ठीक है। और इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, 12 से गुना कर दिए, ज्यादा बेटर है, तो 12 गुना 3 36, 0000 माइनस इसको ऐसे, तो एक अटेम्प्ट मैं देखता हूं क्या आएगा, दो में से चार ऐसा कुछ। चलिए तो मुझे लगता है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर हमारा आना चाहिए 92.15। तो आप इस पे एक बार जरूर देख लिए, जहां तक मुझे अंदाज लग रहा है कि आंसर ये आ जाएगा। और अगर हम इधर से भी मैं देखता हूँ, यस आंसर 92 point something आ जाना चाहिए, तो आप इसे जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये था सीजीएल टायर 2 2017 का कुछ क्वेश्चंस, अलग अलग शिफ्ट से उठाया गया था, और भी सवाल मैं जल्द लेके आऊंगा, सारे सवाल को सॉल्व कर देंगे 2017 का जो भी था। तो इसको अच्छे से देखिए, कुछ डाउट होगा तो जरूर कमेंट करके दिखाइएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर से बताइएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप अच्छे वीडियो का आनंद ले सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।